मच्छर जो है वो टेंशन फ्री है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसकी पत्नी गर्भवती है कि क्या है कोई मतलब नहीं है, चल दिया अपना गर्भवती करके उसको। मासे होता है मलेरिया, मासे मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, किससे होता है प्लाज्मोडियम से। अब इन मलेरिया के प्रोटोजोआ को मादा जो होती है एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर वो अपने ऊपरा बैठा लेती है, अपने ऊपरा बैठा लेती है, अब मच्छर भी अपने ऊपरा बैठा लेता है। तो जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ यानी छोटे छोटे हैं, ये किसके शरीर पर पाए जाते हैं, मच्छर और मच्छरिनी दोनों के शरीर पर पाए जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर के नीचे छोटे छोटे बाल होते हैं गुद्दादार, उसी पर बैठ जाते हैं। अब वो मच्छर उड़ते रहते हैं, ये उनके साथ उड़ते रहते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मादा मच्छरनी गर्भवती होती है तो वह अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए, उसके बच्चे खाना में जिंदा नहीं रह सकते हैं, प्रोटीन उटीन नहीं चाहिए उनको, क्या चाहिए खून चाहिए, क्या चाहिए खून। तो वो अपने बच्चे को कहाँ जिंदा रख सकती है, खून में। तो मच्छर जो है वो टेंशन फ्री है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसकी पत्नी गर्भवती है कि क्या है कोई मतलब नहीं है, चल दिया अपना गर्भवती करके उसको। आदमी हो या जानवर, सब में पुरुष एकदम खचरा होता है। उसको गर्भवती करके वो चल दिया साइड में, अभी बेचारी क्या करेगी, अब उसको पालन पोषण करेगी कि नहीं। अब उसको पालन पोषण करने के लिए, इसको अपना पेट भरने के लिए तो पेड़ ओड़ का रस पी लेगी, लेकिन बचवा किस में पलेगा, ब्लड। अब बेचारा भैंस का, घोड़ा का, गधा का, गाय का, आदमी का, जो जा पास में मिल गया उसका क्या पिएगी, खून। अपने लिए, किसके लिए, बचवा के लिए, वो क्या करती है खून पीती है, समझ में आ गया कि नहीं, जिससे कि उसका बच्चा जिंदा रह सके। और देखिएगा, आप कभी कभी देखिएगा, जानवर हो या मानव, माँ की ममता बहुत, मतलब उसका कोई सीमा नहीं होता। आप देखिए मछुआ को मारेंगे ना, भाग जाएगा, फिर आके पिएगा। रीजन क्या है, उसको पता है कि अगर हम 2 से 3 घंटा के अंदर ब्लड नहीं पिएंगे तो मेरा बछवा मर जाएगा। तो कभी कभी देखते हैं बेचारा सब एकदम जीदियाई ले पीता है, और आदमी और बिखिया के पीटता है, तब वो पीटिए तो फोटोकॉपी करके चल जाता है, जो रख लो मेरा फोटोकॉपी। तो जितना मच्छर का फोटोकॉपी बन जाता है वो सब क्या चीज रहता है, प्लाज्मोडियम वगैरह, वो काफी ज्यादा उसमें रहता है। अब देखिए, जब मच्छरनी बैठती है अपना मतलब डंक डालती है पीने के लिए, तो वहां हल्का सा क्या होता है सुराख, और मच्छर के पूरे शरीर पर क्या बैठा हुआ है प्लाज्मोडियम, उस सुराख के पास थोड़ा सा क्या लग जाता है प्लाज्मोडियम, और उसके रास्ते कहाँ चला जाता है, अंदर। अंदर गया तो किस में मिल जाता है, ब्लड में। और ब्लड कहाँ जाकर स्टोर होता है, एस्प्लीन में। कहाँ पर, एस्प्लीन। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, एस्प्लीन, हिंदी में प्लीहा, दूसरा नाम हिंदी में तिल्ली, क्या था तिल्ली, क्या था तिल्ली, समझ में गया। जितना ब्लड डिफेक्टेड हो जाता है, ब्लड में कुछ खराबी आ जाती है, सब ब्लड कहाँ चला जाता है, एस्पिलिन में। अब ब्लड में आ गया है क्या प्रोटोजोआ, वो भी कहाँ चला जाएगा, एस्पिलिन में। और एस्पिलिन को जाके अब वहां पे अपनी संख्या क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और एस्पिलिन को समझे में नहीं आता है कि ये है क्या, धीरे धीरे एस्पिलिन काम करना छोड़ देता है। अब एस्पिलिन अगर खत्म, तो आपका ब्लड साफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मरे हुए ब्लड को एस्पिलिन ही खा पी के क्या करता है, खत्म करता है। और उस एस्पिलिन पर कब्जा किसका हो गया है, इन प्लाज्मोडियमों का, किसका, प्लाज्मोडियम का। और धीरे धीरे आपका एस्पिलिन खत्म, और एस्पिलिन खत्म तो आपके ब्लड में गंदगी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और धीरे धीरे आपका ब्लड खराब हो जाएगा, आप मलेरिया के कारण मर जाएंगे। हर साल भारत में 75,000 लोग मलेरिया से मरते, समझ आ गया कि नहीं, एक एवरेज आंकड़ा बता रहे। इतना साइंस डेवलप होने के बाद ओडोमॉस लगा के घूमिए, गुड नाइट लगाइए, सीबीएसई वाला एको खोज देता है सब पलक में कुछ ही, ऑल आउट कुछ कुछ में खोज देता है। देहात में गोईठा जलाइए, लोबान सुखाइए, अजा अलग अलग। इस सब के बावजूद मलेरिया से इतने लोगों की जान जाती है, मलेरिया से क्या होती है, इतने लोगों की जान चली जाती है। किसी को कोई दिक्कत, मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से हो जाता है। यह प्रोटोजोआ मच्छर में कि मच्छरनी में, दोनों में। काटने कौन चलाते, सारी मच्छरनी ने, जो मच्छरनी कुंवारी होगी काटेगी
जो गर्भवती होगी वही काटेगी, क्यों? अपने लिए नहीं, किसके लिए? अब मच्छर सबको इस सब से कोई मतलब नहीं रहता, वो बेचारा सीधा साधा आदमी किसके? प्लाज्मोडियम। अब बताइए, अगर किसी मच्छर या मच्छरनी में आप किसी मच्छर को घर में पाले हैं, सुगा की तरह पोस पाल के बड़ा किए, उसको नहला ओला के धूल धाल के प्रेस रखे, उस पे सैनिटाइजर मारिए, अगर उसके ऊपर प्लाज्मोडियम नहीं है और वो काटेगा, या वो काटेगा तो है नहीं, काटेगी, अगर वो काटेगी तो क्या आपको मलेरिया होगा? मलेरिया नहीं होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो मलेरिया का कारण मच्छर नहीं है, बल्कि मच्छर के ऊपर उपस्थित प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। अब देखिए, आप कहेंगे कि सारा मच्छरवा या जितनी मच्छरनी काटती है सब, हम मच्छर बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा किसके बारे में बोल रहे हैं, मच्छरनी के बारे में बोल रहे हैं, और आप लोग तो डायरेक्ट समझिएगा किसके बारे में बोल रहे हैं, मच्छर, मच्छरनी के बारे में। तो जितने मच्छरनी काटती है सब, तो हर बार में आपको मलेरिया क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि हर चीज की एक अवस्था होती है। जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, जब तक ये जवान नहीं होगा तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसके जवान होने की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, जब ये जवान हो जाता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, तो ये यंग एज में क्या करता है? एस्पेरोजाइट कहते हैं। जब ये यंग हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एस्पेरोजाइट। आगे बढ़ते हैं लोग। अब इस मलेरिया से बचने के लिए दवा लाई गई जिसको छाल से प्राप्त किया जाता था। सिनकोना की छाल से कुनेन का रस प्राप्त करते थे, उसको पीते थे, वो ब्लड में घुलता था, फिर एस्पिलिन में जाता था, और एस्पिलिन में किसको मारता था? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ को मारता था, फिर वो बन जाते थे, फिर मारता था, 6 महीना टाइम लग जाता था। अब उसके जगह पे एक दवा आ गई, क्लोरोक्वीन। कौन सी दवा? क्लोरोक्वीन।